हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक और वीडियो दिखा रही हूँ। उसी में भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसे बनाई जाती है सीमेंट से, और एक पॉट है आउल का, वो कैसे बना हुआ है मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, ठीक है। मेरा वीडियो देखिए आप लोग। ये देखिए, बुद्ध भगवान बन करके तैयार हो गए हैं सीमेंट के। इसको किसी पॉट में ऐसे मिट्टी में ऐसे ऐसे डाल दीजिए, उसके ऊपर से कोई प्लांट लगा दीजिए, ताड़ का कोई ट्री आकार का प्लांट लगा दीजिए। और इसके पीछे देखिए कैसे इसका प्लेन है। ये पेंट थोड़ा गीला है, इसीलिए पकड़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। और ये देखिए आउल है, ये आउल बन करके ऐसा तैयार हुआ है। ये खाली है देखिए, इसके अंदर बॉटल है। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का कई क्रिएटिव टाइप का, जैसे फिश है, आउल है, हिरन है, जिराफ है, आप कुछ भी इसका बना सकती हैं बॉटल का। ये वाइट सीमेंट लगा करके अपने इमेजिंग के अनुसार, जैसे फिश है तो यहाँ पे उसका माउथ बना दीजिए, इधर पंख बना दीजिए, सीमेंट से बना दीजिए, सूखने के बाद उसको आप पेंट कर दीजिए। ऐसी हिरन भी है तो हिरन का यहाँ पे ऐसे गर्दन बना दीजिए, और ये चार पैर तो रहता ही है बॉटल के, बॉटल की पैर हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी आकृति को आप ले करके उसको वाइट सीमेंट से बना सकती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग बनाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए। प्लीज़, थैंक यू, नमस्ते। देखिए दोस्तों, बुद्ध जी की मूर्ति के लिए मैंने झाड़ू के सीख लिए हैं और कुछ काटन कपड़े लिए हैं। उस काटन के कपड़े को लपेट दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं अब इसको किस प्रकार से बना रही हूँ आप लोग देखिए, उसको उसी तरह से बनाइए उसके स्ट्रक्चर के अनुसार।
देखिए दोस्तों, ये आउल मैं बना रही हूँ। आउल के लिए कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लीजिए, उस पर वाइट सीमेंट मिला करके उसका पेस्ट बना करके आउल की आकृति में उसको चिपका दीजिए। उसकी नाक आँख बनाइए और उसके बाद उसको सूखने, एक दो दिन सूखने के रख दीजिए, फिर उसको पेंट कर दीजिए डिज़ाइन के अनुसार जिस प्रकार की उसकी आकृति होती है। देखिए दोस्तों, मैंने दस्ताने में सीमेंट भर करके किस प्रकार से फ्लावर पार्ट तैयार किया है, इसके लिए क्या क्या चाहिए। दो रबड़ का ग्लव्स आप ले लीजिए, रबड़ का ही लेना है, बाकी और किसी कपड़े का नहीं। और दो रबड़ बैंड ले लीजिए, क्योंकि उसमें मैं जब सीमेंट भरूंगी तो उसके मुंह को बंद करने के लिए। अब देखिए सीमेंट का घोल मैंने बनाया हुआ है, अब सीमेंट के घोल को उस दस्ताने में भरूंगी। देखिए मैं किस प्रकार से उसके अंदर डाल रही हूँ, उसके मुंह को, दस्ताने के मुंह को थोड़ा सा चौड़ा करके उसके अंदर सीमेंट का घोल भर दीजिए। ज़्यादा दम इसको फुल नहीं करना है, थोड़ा सा हाफ ही भरना है, क्योंकि उसको फ्लैट करके उसके ऊपर से अभी वेट वाला सामान भी रखना है। दोनों मैंने भर दिया, आप किसी कटोरे में ले करके उसको रख दीजिए ताकि गोलाई में बना रहे। फिर उसको चाकू या ब्लेड से थोड़ा सा दस्ताना किनारे काट दीजिए ताकि दोनों दस्ताने का सीमेंट मिल करके आपस में जॉइंट हो जाए दोनों दस्ताना। इस प्रकार से दोनों की तरफ का सीमेंट मिल जाएगा और जॉइंट हो जाएगा दस्ताना। और उस पर उसके ऊपर थोड़ा सा और सीमेंट आप डाल दीजिए ताकि उसकी तह थोड़ी मोटी हो जाए, बीच में से टूटे ना। और उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल दीजिएगा, इसका बेस बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाए। और उसके ऊपर लोटा इसलिए रखेंगे क्योंकि ऐसे दबाएंगे नहीं उसको तो कटोरी नुमा नहीं बन पाएगा। या दोस्तों, इसी प्रकार का कई क्रिएटिव टाइप का, जैसे फिस है, आउल है, हिरन है, जिराफ है, आप कुछ भी इसका बना सकती हैं बॉटल का। ये वाइट सीमेंट लगा करके अपने इमेजिंग के अनुसार, जैसे फिश है तो यहाँ पे उसका माउथ बना दीजिए, इधर पंख बना दीजिए, सीमेंट से बना दीजिए, सूखने के बाद उसको आप पेंट कर दीजिए। ऐसी हिरन भी है तो हिरन का यहाँ पे ऐसे गर्दन बना दीजिए, और ये चार पैर तो रहता ही है बॉटल के, बॉटल की पैर हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी आकृति को आप लेकर के उसको वाइट सीमेंट से बना सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए। प्लीज़, थैंक यू, नमस्ते।